माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और आप माला माल हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने उनके स्थायी निवास पर इनका संबंध क्या है? माँ लक्ष्मी को धन संपदा की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा व्रत किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ 5 पवित्र जगह भी है जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी को चंचल भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को धन संपदा की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए कुछ पूजा व्रत किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ 5 पवित्र जगह हैं जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है। माँ लक्ष्मी के चंचल भी कहा गया, इसलिए इनका ना आना जाना जीवन में लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसी पवित्र जगह भी है बताया गया जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए इनकी पूरी पूजा करनी चाहिए। पूजी जानकारी के लिए इनके देखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो में मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इनसे पहले की जगह कमल, सभी जगह जानते हैं कि लक्ष्मी कमल में निवास करती है, इसलिए इनकी पूजा कमल का फूल में रखा जाता है। इनकी पूजा में लक्ष्मी के कुछ नाम तो कमल पर ही है, जैसे पवित्र पावनी, प्रतीत पावनी, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा में कमल का फूल भी रखा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज ही करें ये उपाय। यह भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी गाय की पीठ पर रहती है। हिंदू धर्म में गाय का विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ऐसे कहा जाता है कि जो गाय को खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसके पास माँ लक्ष्मी कृपा होती है। कई जगह तो लक्ष्मी की पूजा के तौर पर गाय माता की पीठ पर हल्दी सिंदूर लगाया जाता है और पूजा की जाती है। इसके अलावा गुरुवार को गौ माता को आटा की लोई भी बनाकर आप खिला सकते हैं, उससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर पर आगमन होगी और प्रसन्न हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती करते समय शंख घंटी नहीं बजाई जाती है? माँ लक्ष्मी का एक निवास हाथी है, जैसे ऐसे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी हाथी के मस्तक पर विराजमान रहते, इसलिए हाथी को देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का एक रूप गज लक्ष्मी भी, माँ लक्ष्मी के तस्वीर पर आपने गज की भी देखा होगा, जो उन धन या पानी की वर्षा करता दिखाई देता है। मनुष्य की हाथों में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर मनुष्य सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखे और उन्हें माथे पर लगाए तो भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल माँ लक्ष्मी कर्म करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होती, आलसी गंदगी में रहने वाले या माँ लक्ष्मी प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होती है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब भी आप पूजा करें, पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के लिए बेलपत्र जरूर लें। माँ बेलपत्र में भी माँ लक्ष्मी का वास बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा बेलपत्र में भी होती है और बेलपत्र पवित्र होता है, तो माँ लक्ष्मी की ऐसे आपने पूजा करनी चाहिए। तो मेरी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारी कथा या आपकी जानकारी है तो आप इससे माला माल हो सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।